పదమూడవ తారీఖు నాడు ఓటేసి గెలిపిస్తే కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేస్తే ఈసారి మోదీ గారు ఏదైతే 400 అని విధానాలతో ఇచ్చారు ఆ 400 వంక్యా మన హైదరాబాద్ ఉండాలి. మీరందరూ కూడా రానున్న 13వ తారీఖు నాడు 13 తారీఖు సబ్కో యాద్ రహే 13 तारीख के दिन आप सब लोग अपने अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और इस बार हैदराबाद से कमल के निशान से माधवी लता जी को भारी मेजॉरिटी से जिताएं. आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो कैंडिडेट आपके सामने है वे माधवी लता जी अपनी पूरी तैयारी कर इस बार इलेक्शन में है. वे जानती है तो इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए, अभ्यर्थी को किस प्रकार से हमारा सकते हैं. इस दृढ़ संकल्प के साथ, एक पूर्ण प्रणालिका के साथ हमारे कैंडिडेट, हमारे अभ्यर्थी माधवी लता जी आपके बीच में आ गए हैं. हर गली गली में माधवी लता जी का फूलों से स्वागत हो रहा है. चूल्हा चौका छोड़ के वोट डालो जोर के. भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर आई हैं. इनको पूरा स्वागत कीजिए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि 13 तारीख को जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने बोला है, पहले मतदान फिर जलपान. सुबह सुबह निकल के माधवी लता जी को आशीर्वाद दीजिए. मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी समस्या है. ये वादा है माधवी लता जी का, एक बार जीतने के बाद ये सारी समस्याओं का निदान एक ही नाम, माधवी लता. माधवी लता ज्ञान के लिए सरस्वती और आतंक के लिए माँ काली आपके सामने है. श्रीमती माधवी लता प्रचंड बहुमत से इन्हें विजय बनाइए. आज तक जो नासूर आपके पास रहा उसे हटाइए.